आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम ग्राउंड में अभद्रता करते हुए मारपीट करने की बड़ी घटना सामने आई है, जहां शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हम सभी लोग अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम ग्राउंड में जाकर अपनी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जहां रोशनी साहू, अनोज सिंह, अमर कोल, लखन कोल, सूर्य प्रताप सिंह, हिल्ला सिंह, प्रमोद सिंह, विवेक महोबिया, विजय सिंह, मनोज सेन सहित अन्य साथियों के साथ गोलू पसेरिया कोच के द्वारा अभद्रता करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, एवं इसके पूर्व में भी हम लोगों के साथ घटना को अंजाम दिया गया था और आज फिर यह घटना की गई है, जिसके चलते हम सभी फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे युवाओं को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है एवं हमारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुँची है और हम लोगों के शरीर में चोट पहुंची है, जिसका उपचार अस्पताल में कराया गया है, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली टीआई राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शिकायतकर्ताओं के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है एवं इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी को मौका स्थल पर जाँच कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है, जहाँ जाँच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीसी उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। साहू है, मैं मानपुर से हूँ। मैं यहाँ की पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रही थी, तो हॉकी में मतलब कि गोलू सर एक वो कोच हैं, उनके बच्चों के द्वारा हॉकी से मतलब हॉकी की जो स्टिक रहती है उसके द्वारा मैं रनिंग कर रही थी, तो सर में जोर से मारा गया है, जिसके कारण ये मेरी स्थिति स्कैन की रिपोर्ट भी है और अभी तक सिर में मतलब स्वेलिंग है, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसा किया जाता है अमर शहीद स्टेडियम में। यहीं पे हम लोग सभी प्रैक्टिस करते हैं सर, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर सर हॉकी वाले भी अपना खेल करते हैं। जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना सर, वहाँ पे आज एक भैया हैं जो मनोज भैया नाम है उनका, तो वो आज घायल हो गए हैं, उनके कान पे लग गया है। इसी डर से हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, सब साथ में ही करते हैं और एक ही टाइम पे सबका होता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनका। सिंह परस्ते है, मैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ स्टेडियम पे। गुरु पसरिया जो कोच है हॉकी का, वो अपने बच्चों के साथ आए दिन जो फिजिकल करते हैं बच्चे, उनको प्रताड़ित करता है। आज हमारे कान में लग गया, अब ये वाले कान में सुनाई नहीं दे रहा है। मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। हम लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते हैं रनिंग की, गोला फेंक की, लॉन्ग जंप की, तो वहाँ पे हॉकी प्लेयर भी आते हैं प्रैक्टिस करने, तो अक्सर आए दिन उनका हॉकी कहीं बॉल किसी किसी के लग जाती है। और एक अभी कुछ दिन पहले किसी लड़की की लगी थी, आज इसके कान में लग गई है, जिसके कैरियर का सवाल है। अगर ज़्यादा चोट लग गई होगी तो कैरियर ख़त्म हो सकता है इसका। और उसका जो कोच है वो बढ़ावा देता है, उसका गोलू पसेरिया नाम है। ज़िले में सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ग्राउंड की कमी के कारण आज हम लोग स्टेडियम में खेल रहे थे, जिसके कारण हम गोला फेंकते समय और लॉन्ग जंप करते समय हॉकी जो हॉकी खेलते हैं उससे झड़प हो गई और मनोज सिंह को बहुत बेरहमी से, क्या कहते हैं, उनको हॉकी से मार दिया गया। पता नहीं चला कौन मारा, मगर वहां का कोच और भी अगर सॉरी कहने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट और SDM का नाम लिया, इसका नाम लेकर हमको और दबाव बनाना चाहा जिससे हम हट जाएं। वो अपने जो कोच हैं वो अपने लड़के को ही भिड़काते हैं, है ना, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और आए दिन ये घटना होती रहती है। अभी दो दिन पहले एक लड़की को और हॉकी बॉल तो छोड़िए हॉकी से मार दिया गया था, है ना। तो ये घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं और हम सब लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक एक दो दो साल मेहनत करके अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, किसी के 70 नंबर है, किसी के 75 नंबर है, किसी के 80 नंबर हैं। दो दो साल उनका गैप हो सकता है, आज इनके कान में लग गया है और कान के अगर कुछ हो जाता है, कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उनको मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। तो ये हमारी जो परिश्रम जो हम कर रहे हैं एक दो साल से, ये परिश्रम पूरा हमारा विफल हो सकता है। ये बच्चे वहाँ हॉकी खेल रहे थे, उस बीच में किसी की बॉल लगी किसी पे, कि कोई वहाँ पे एथलीट था उसके लगी थी, तो उसी के लेकर थोड़ा विवाद किए थे, आवेदन आया है, उसकी जाँच में भेजा था, तो वो तुलता साहब जाँच कर रहे हैं और जैसी रहेगी उसकी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।